इंडोनेशिया को अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं। रूस से खरीदने जा रहा सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान। इंडोनेशिया एक बार फिर रूस से सुखोई SU-45 लड़ाकू विमान खरीदने की डील पर आगे बढ़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इंडोनेशिया अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से इस डील को लेकर चुप्पी साधे हुए था। इंडोनेशिया और रूस के बीच सुखोई SU-45 की खरीद को लेकर वर्ष 2018 में समझौता हुआ था। रूस में इंडोनेशियाई राजदूत जोस तवारिस ने पिछले हफ्ते पुष्टि की कि उनका देश सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाले समझौते से पीछे नहीं हटा है। रूस और इंडोनेशिया ने 11 सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए $8.14 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि 2019 में ऐसी अपुष्ट खबरें आई थीं कि इंडोनेशिया अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से इस समझौते से पीछे हट गया है। अब इंडोनेशियाई राजदूत ने कहा है कि जकार्ता अनुबंध के कार्यान्वयन पर लौटने से पहले स्थिति के अधिक अनुकूल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसे कुछ संभावित असुविधाओं से बचने के लिए रोक दिया गया था। अमेरिकी प्रतिबंधों से इंडोनेशिया को डर नहीं, ऐसे में माना जा रहा है कि इंडोनेशियाई राजदूत का इशारा अमेरिकी प्रतिबंधों की तरफ था। रूसी लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के अधिग्रहण से इंडोनेशियाई वायुसेना के लिए पूरी तरह से नाटो संगत लड़ाकू बेड़े को संचालित करने की पश्चिमी दुनिया में व्यापक रूप से व्यक्त की गई उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। जकार्ता के भविष्य के भू राजनीतिक रणनीति के संबंध में बढ़ती अनिश्चितता के बीच इस सौदे के संभावित रूप से महत्वपूर्ण रणनीतिक निहितार्थ हैं। 2018 में दिया था SU-35 का ऑर्डर इंडोनेशिया ने। रूसी लड़ाकू विमानों के लिए अपना पहला ऑर्डर 1967 में दिया था और उम्मीद की जा रही थी कि वह SU-35 के पूर्ववर्ती SU-27 और SU-30 के लिए एक प्रमुख ग्राहक बन जाएगा। हालांकि एशियाई वित्तीय संकट ने इंडोनेशिया को कम संख्या में लड़ाकू विमानों की खरीद करने को मजबूर किया। इंडोनेशिया ने 2003-2010 के दौरान 10 SU-27 और SU-30 का एक छोटा बेड़ा हासिल किया। इसके बाद 2013 में 6 SU-30 MK2 का अधिग्रहण किया। इसके बाद इंडोनेशिया ने फरवरी 2018 में रूस के साथ 11 SU-35 के लिए एक ऑर्डर को अंतिम रूप दिया। SU-35 की रेंज का कायल हुआ इंडोनेशिया, तब इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वह पहले से ही SU-27 और SU-30 को ऑपरेट करता है। ऐसे में SU-35 उसके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। हालांकि उस समय इंडोनेशिया के सामने यूरोफाइटर, राफेल, F-16 और ग्रिपेन जैसे विकल्प मौजूद थे। SU-35 के पक्ष में जाने का एक प्रमुख कारण इसकी विशाल रेंज भी था। यह विमान प्रतिस्पर्धी विमानों की तुलना में दोगुना से भी अधिक इंडोनेशिया के विशाल द्वीप समूह में गश्त लगा सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की आवश्यकता थी। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।